हेलो दोस्तों, मैं अमृत शर्मा। आज मैं आपके समक्ष जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है यूपी टीजीटी और पीजीटी को लेकर। इस टॉपिक को बनाने में मेरी कहीं ना कहीं मजबूरी बनी हुई है। एक मैं अपना कर्तव्य भी समझता हूँ कि मैं उन छात्र छात्राओं को एक उचित मार्गदर्शन दूँ, एक दिशा निर्देश दूँ, ताकि वे जो आज की न्यूज़ चल रही है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, खासकर यूट्यूबर्स अनसन वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब प्लेटफार्म पर कि एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट में होंगे, इसी 24 में या फिर 25 में चले जाएंगे, जनवरी फर्स्ट वीक में या फरवरी के आसपास। और कुछ लोगों का मानना है कि 25 में ही मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे। तो सत्यता है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च अप्रैल में पेपर हो, दोनों में 50-50 चांस हैं। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की वीडियो देखकर अपना समय पहली बात तो बर्बाद ना करें। इस बात को छोड़ दें कि एग्ज़ाम आपके अब होंगे या कब होंगे, होंगे तो होंगे। देखो, आप ये सोचें कि आपने इस एग्ज़ाम का कितने लंबे समय से इंतज़ार किया है। लगभग तकरीबन 3 वर्ष, 2.5 वर्ष के आसपास आपको एग्ज़ाम का इंतज़ार करते करते हो गया, और आपकी जो तैयारी है, जो आपने कंटेंट पढ़ा है, वो कंटेंट पर्याप्त है। अब इस समय फिर मैं मानता हूँ कि छात्र छात्राओं के जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक दौर पर होते हैं, वे बिल्कुल सिर पर आ जाते हैं, तो वे क्या सोचते हैं कि भाई मेरा ये पार्ट छूट गया, अब ये छूट गया, अब मैं कौन सा कंटेंट पढ़ूं जो मुझे सफलता प्रदान करा दें, किस यूट्यूबर को वॉच करूं, किसकी वीडियो देखूं, या कौन सी बुक लूं, या किसी का कोर्स परचेज करूं। देखो, मेरा मानना है कि अब आप इस समय कुछ भी परचेज ना करें। पहली बात तो आप परचेज क्या करें, आप धैर्य परचेज करें, पेशेंस परचेज करें, क्योंकि ये धैर्य एक ऐसी नींव है जो आपका सफलता का मूल मंत्र है। 2 से 2.5 वर्ष, 3 वर्ष आपने तैयारी की, तैयारी में जो भी आपने पढ़ा वो काफ़ी है। आपको क्या करना है, उसी चीज़ को एक बार रिवाइज करना है, और रिवाइज उस चीज़ को इतनी बार करें कि वही आपके सफलता की एक नाव बन जाए, आपकी नैया को पार लगा दें। वो पार कब लगाएं, जब एक चीज़ को आप बार बार पढ़ेंगे। लेकिन अब जब बच्चे के हाथ पैर फूल गए, वो हेजिटेशन में हैं, डरा हुआ है, फेयरफुल है, तो क्या करेगा, नए कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करेगा, और जल्दी बस वो कंटेंट उसके दिमाग से बहुत जल्दी निकल। जब देखो, जब भी आप किसी चीज़ को केवल एक बार ही पढ़ते हैं, तो ये ह्यूमन एरर है कि आप उस चीज़ को जल्दी ही भूल जाते हैं। लेकिन जब आप एक चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, तो वो चीज़ आप नहीं भूल पाते। इस बात में सत्यता है। तो आप कोशिश करें, जो अगर आप नया पढ़ रहे हैं, तो उसको अच्छी बार, अच्छी टाइम, कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज अवश्य करें। अन्यथा जो आपने पढ़ रखा है, उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि आज के युग में ऐसा कोई छात्र और छात्राएं मैंने नहीं देखी जो बिना सिलेबस के पढ़ता। इन 2.5-3 वर्षों में आपने सिलेबस का कुछ तो कंटेंट तैयार किया होगा, उस कंटेंट को रिवाइज करें। या आप सपोज करो, आपने कुछ भी कंटेंट तैयार नहीं किया था, तो आप अपने अध्ययन को शुरू कहाँ से करें भाई। आप जो भी एक बार आप सिलेबस को वॉच करें, उसको जो भी आपने सिलेबस लिया है, उस सिलेबस को एक बार अच्छी प्रकार से देखने के बाद, उसमें जो भी ऑथर, सपोज करो हम टीजीटी इंग्लिश को लेते हैं, क्योंकि मैं टीजीटी इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, उसमें 4 ऑथर दिए गए हैं लिटरेचर में, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्थी। तो आप विलियम शेक्सपियर से शुरुआत करें, फिर इस प्रकार से 10 दिन एक को दें, 10 दिन लगभग आप 40 दिन में 4 ऑथर को रिवाइज कर लें।
एक बार रिवाइज करने के बाद, ये नहीं कि आप सभी उसको बारीक चीज़, सब उसकी बारीक से बारीक चीज़, माइनर से माइनर चीज़ पॉइंट को उठाएं, एक बार आप चारों को रिवाइज कर लें। जैसे आप देखो संभव तो नहीं है 10 दिन में आप डीपली रिवाइज कर पाएंगे, लेकिन हाँ जितना भी आपके संभव हो उन चारों पॉइंट को रिवाइज करें एक बार, तो आपके मन में ये होगा कि मैं चारों ऑथर रिवाइज कर लिए हैं। मन में आपका क्या है, एक उत्साह है कि आपने चारों ऑथर को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर से, क्योंकि पेपर में भी टाइम होगा, अगर टाइम रहा तो फिर आप फिर से उस चीज को रिवाइज करें, उसमें कुछ अधिक से अधिक 40-50 नए कंटेंट, नए क्वेश्चन को ऐड करते चलें। सपोज करो आपने शेक्सपियर को पहले पढ़ लिया था, उस चीज को तो आप दोबारा पढ़ेंगे फिर से जो आपने तैयार किया था, लेकिन अब उसके साथ में 40-50 नए कंटेंट, नए क्वेश्चन को भी जोड़ दें और उसको भी कई बार तैयार करें, 3 से 4 बार दोहराएं। फिर ऐसे विलियम शेक्सपियर साहब, जॉन मिल्टन, जॉन गालस्वर्थ, एक बार फिर से आपने उन चारों को रिवाइज कर लिया। इसके बाद अगर टाइम फिर से मिलता है आपको, आपके एग्जाम अभी नहीं हुए, तो फिर से आप यही प्रक्रिया दोहराएं और हर बार उसमें कुछ ना ऐड ऐड करते जाएं, और उस ऐड करे को भी कई बार दोहराएं। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो पेशेंस है, जो धैर्य है, उसको एक बल मिलता है, एक आधार मिलता है कि हाँ आपने चारों ऑथर को अच्छी प्रकार से रिवाइज किया है और अपने तो 2 बार रिवाइज कर लिया। अगर आप ऐसे करेंगे कि एक ही विलियम शेक्सपियर साहब को ही देखो, कंटेंट तो इतना है, अगर आप किसी भी ऑथर को लोगे तो वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जितनी भी बारीक से आप पढ़ोगे तो उसमें इतने माइनर से माइनर चीज़ें आती हैं कि आप उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक के पीछे रहे तो आप एक के पीछे रह जाओगे, बाकी 3 रह जाएंगे। तो इसलिए आप एक बार राउंड लिस्ट चारों को लें, फिर राउंड लिस्ट चारों को लें, फिर राउंड चारों, जितने भी टाइम आपको मिलता है तो इस प्रकार से आप चारों में घूम जाएं, जो आपके सफलता का कहीं ना कहीं एक आधार साबित होगा, एक आधार। और जब आपके अंदर उत्साह होगा कि हाँ मैंने चारों को कर लिया है, तो आप देखो, मैं मानता हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम जो है, पहली बात तो हमें एग्जाम को डेट को लेकर थोड़ी सी बात करता हूँ। जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं, जो न्यूज में आया है, पेपर एक कटिंग है, मैंने भी देखी है, तो अगर एग्जाम हो भी तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, होने दो, तैयारी आपने बहुत की है। भाई अब तक आप क्या सोच रहे थे, क्या कहते थे कि एग्जाम कब होंगे, कब, जब एग्जाम डेट निश्चित हुई है तो आप क्यों घबरा रहे हो? घबराने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। बस आपके अंदर एक डिलेमा है, एक दुविधा में है आपकी। भाई देखो, ये मैं भी मानता हूँ कि जब एग्जाम डेट आयोग निश्चित करता है तो कम से कम 3 महीने का समय दिया जाता है। मिल सकता है आपको, कोई अभी फिक्स डेट नहीं हुई है, कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको 3 मंथ का समय भी मिल सकता है। तो पहली बात तो, लेकिन आप इस चीज को छोड़ देंगे, भैया 3 मंथ मिलेंगे आप पढ़ के सो जाएं, नहीं, अपनी तैयारी को आप उस जुनून के साथ करें कि हाँ मेरे एग्जाम तो नवंबर में ही है। आप रोज ये मान के तैयारी करें कि आपके एग्जाम तो कल ही हैं, लेकिन उस चीज को आपको ये नहीं मानना कि आप अपने हाथ पैर को फुला लें, हेजिटेट हो जाएं और अपने आप को हैंग कर लें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इस चीज से निकलने के लिए मैंने आपको सबसे उचित मार्ग बताया है कि जो आपने कंटेंट तैयार किया है या नहीं भी किया है, तो आपके जो सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, क्योंकि मैं यूपी टीजीटी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, चारों ऑथर को एक बार रिवाइज करें, जैसे भी आप जल्दी से 10 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, 40 दिन का प्रोग्राम है, 10 दिन में एक ऑथर को उठाएं, उसके वर्क्स को उठाएं, 10 दिन में दूसरे के, 10 दिन में तीसरे के और 10 दिन के में चौथे के, एक बार फिर से उसको रिवाइज करें और इस बार उसमें 40-50 नए क्वेश्चन कंटेंट ऐड करते चलें। फिर टाइम रहा तो फिर उसमें ऐसे करें, तो इससे आपको क्या हो कि हमने तो अपने सिलेबस को 3-4 बार रिवाइज कर लिया है। कि देखो, ये नहीं है कि आपको एग्जाम इतनी
जो एग्ज़ाम है ये, उसमें इतने डीपली क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि सब स्टूडेंट में, छात्र छात्रों में इतनी अक्षमता अवश्य है कि वो अपने हिसाब से कंटेंट को तैयार कर सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, उस सीरीज को पहचान सकता है कि कौन सा एग्जाम में आ सकता है। और इसके लिए आपको 10 दिन का प्रोग्राम एक और बनाना है, जो आपके प्रीवियस PYQ क्वेश्चन हैं उनको भी एक बार रिवाइज करना है, ताकि उससे आपको ये पता चल जाए, ज़्यादा नहीं, आप 3 वर्ष पहले जो पेपर हुए हैं उनके सेट को उठाएं और उनको प्रिपेयर करें। उससे आपको ये मालूम चलता है कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। जब आपको ये मालूम चल जाए कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो गाइज, इस छोटी सी वीडियो में आज के लिए केवल इतना ही, जो आपको कहीं ना कहीं एक राहत पहुंचाने का कार्य करेगी। इसको अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है, अगर आप UPTGT इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल HGR हाईएस्ट ग्रामर रूल पर भी जुड़ सकते हैं, और कमेंट्स में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या फ़ायदा मिला, और आपने तैयारी पहले से, आप तैयार हैं, प्रिपेयर हैं, या आप नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।